अच्छा ये आखिरी नुक्ता भी ध्यान से समझिएगा कि क्या बच्चा ये समझता है कि जो भी उसे नसीहत कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, क्या वो उसे अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर दो, क्या बच्चा ये समझता है कि जो भी उसे एडवाइस कर रहे हैं, क्या वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। नंबर तीन, क्या बच्चा ये समझता है कि जो भी उसे एडवाइस कर रहे हैं, क्या वो उसे लाइक करते हैं या नहीं। याद रखिएगा, इन तीनों में से अगर किसी एक सवाल का भी जवाब नफी में है या तीनों का जवाब नफी में है, तो जो नसीहत आप कर रहे हैं वो बच्चे के सर के ऊपर से तो गुजर ही रही है, लेकिन लेकिन इसके साथ जो आपकी एबिलिटी है, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ कोच, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, कि आप बच्चे के बिहेवियर पर पॉजिटिवली असरअंदाज हो, वो भी क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप बच्चे के बिहेवियर पर पॉजिटिवली असरअंदाज हों, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकें, तो ज़रूरी है कि बच्चा ये समझे कि आप उसे लाइक करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये तीनों चीज़ें होंगी तब बात बनेगी, वरना आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी।